हेलो। हाँ कौन? सर गुड इवनिंग, मैं गौरव बोल रहा हूँ, टेक्निकल गुरुजी से। आपका जी हाँ हाँ बोलिए। नाम क्या है? मेरे को पहली बार तो आपका नाम ही नहीं मालूम कि जी आपको मेरा क्या नाम बोल के है बुलाना है। जी विकास धवन। जी विकास भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे यार। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को तो। अच्छा, एक्चुअली आपका चैनल सामने आया, कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो कुछ लिंक्स वगैरह भेजे, फिर मैंने खोल के देखा, मुझे अभी फुर्सत मिली 2 दिन पहले तो देखा, चेक किया तो आपने तो माशाल्लाह वीडियो बना रखी है, पता नहीं कितनी सारी थंबनेल के ऊपर मेरे को लगा रखा है, अंदर मेरे को लगा रखा है। नहीं सिर्फ तो दो यार ये तो वीडियोस सही थे। बात नहीं है, बिना नहीं सर तीन तीन देखिए, है मेरे भाई, तीन हाँ तीन 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 वीडियोज होंगी, हैं, हाँ शायद होंगी, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो तो वही की। हाँ, तो ठीक मैं है, वही देख रहा तो था कि हाँ अंदर अंदर लगा रखा है पता नहीं, और मतलब क्या नेगेटिव बातें बोल रहे हो, या नेगेटिव थंबनेल पे नहीं लगा नहीं रखा है, है, या ऐसा कुछ किस नहीं है। चीज पे देखिए रखी है? हाँ मैं आपको बताता हूँ, क्या हाँ कुछ पहली बात, तुम गलत गलत तो मैंने कुछ कहा नहीं है, मतलब गाली वाली। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, आप नहीं। हाँ वही वही मैं बता रहा बोलो हूँ। बोलो। जैसा कि आप कहते हैं कि आपको YouTube देखते होंगे, आप काफी चैनल्स हैं जैसे कि एसटीएसटी प्रोडक्शन के, वो ड्रामा अलर्ट स्केयर्स, तो इन सब चैनल से इंस्पायर्ड है मेरा चैनल काफी। ये वाली सीरीज जिसमें मैं चैनल्स को मतलब रिव्यू करता हूँ काफी टाइम से, जो भी मैंने देखा उसके बाद चैनल का ओवरव्यू, जो भी मैं देखता हूँ और उसके हिसाब से मेरे को क्या लगता है चैनल के बारे में। और इसके अलावा वीडियो में मैंने काफी सारे पैट और सब कुछ यूज किया है, जो कि कुछ भी मेरे हिसाब से कुछ भी गलत नहीं है और नहीं गलत तो है रिस्पेक्टफुल। विकास, क्योंकि आपने गलत तो इसलिए है क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली पहली बात, तो टेक्निकली ये गलत है। और दूसरी बात गलत क्या चीज, इन ऐसी सब के लिए वीडियोस तो परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती डेली अपलोड होती हैं ऐसी वीडियोस। देखिए है? बड़े बड़े चैनल्स हैं, नहीं होंगी, चाहे कोई हाँ उनको भी बात कभी नहीं, सुनो ना उनको कोई विकास, प्रॉब्लम नहीं होती। विकास हाँ ठीक है मैं एक बार सुन के रहा लिए हूँ। मुझसे, एक बार के लिए मेरी, हाँ मेरी बात आराम से सुन लो। मैंने पिछले 2 दिन पहले जो पहली बार एक वीडियो देखी, तो मैंने न सिर्फ वीडियो देखी पूरी, मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े, हाँ आपने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, मैंने सब कुछ अच्छे से एनालाइज भी किया। तो पहली बात तो ये है कि टेक्निकली वीडियोस चाहे 1 दिन की 1,000 अपलोड होती होंगी चाहे 1 लाख, मेरे को उनसे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इस बात से है कि आपने वीडियो अपलोड करी जो कि सही नहीं है। आप उसको कह सकते हो कि ये सही है, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने ठीक है, हाँ रिसेंटली अभी यूट्यूब टीम से भी बात करी है, सुनो ना, मैं समझता हूँ मैंने आप अभी यहाँ पे प्राइवेसी रिसेंट, कंप्लेन कर सकते हैं, मेरे को पता है इस बात का, मैं अच्छे नहीं से सर जानता हूँ। प्राइवेसी के अलावा, सर 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 प्राइवेसी के अलावा और भी 50 चीजें होती हैं यूट्यूब में। प्राइवेसी के अलावा यहाँ पे रिपोर्ट अब्यूज भी होता है, यहाँ पे हाँ उसके मैं अलावा हाँ वो कॉपीराइट भी सब आता है मैं उसके अंदर, समझता उसके हूँ। अलावा हाँ इनफैक्ट ट्रेडमार्क भी आता है, टेक्निकल गुरुजी मैं जो सब जानता एक्सेप्टेड हूँ। वर्ड है, इट्स ग्लोबली रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। तो हाँ बहुत मैं सारी चीजें हैं, तो लॉजिक सुनो ना, या तो मैं बोलूँ या तो आप बोल लो, एक बार ठीक मैं है आराम से बात कर रहा हूँ तो पहले बात कर सकते हैं ना। हाँ, ठीक है। तो मेन बात यह है, मेरे को आपसे कॉल करने का सिर्फ एक ही मकसद था। मैंने आपका चैनल खोल के देखा, उसके कुछ 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो शायद आपको भी आपके चैनल की वैल्यू होगी, हाँ बिल्कुल है। मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन आई थिंक होगी। तो ऐसे में 3 वीडियोज आपने पोस्ट कर रखी हैं, अगर उन तीनों के ऊपर 1 सेकंड में कुछ ना कुछ अगर एक्शन लिया जाएगा तो आपका चैनल तो वैसे भी 0 हो जाएगा। हाँ मैं दूसरी समझता बात हूँ, ये, हाँ मैं जो समझता हूँ आपकी दूसरी बात। बात, हाँ दूसरी बात ये कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता हाँ है, जो फिर आपने मैं काम फिर किया वही वो दो आप बात कर गलत रहा हूँ किया, आपके साथ, मैं वही दो बात कर रहा हूँ। जो जो देखिए काम आपने किया वो गलत किया हुआ तो आप भी जानते हो, हाँ वो तो फिर ऑडियंस ठीक है? डिसाइड कर सकती है। देखिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता ऑडियंस हूँ बात सीधा है से, सर, आसानी सर से। ठीक सर मेरे को कुछ है इससे मतलब नहीं है। हाँ आज मैं आपके लिए कुछ अगर नेगेटिव चीज पोस्ट करता हूँ बाहर, नहीं ये मुझे नहीं फर्क नेगेटिविटी पड़ता की तो कि बात ही नहीं है। देखिए अब मैंने वीडियो में आपको स्पेशली डिफेम सर करने की टेक्निकल कोशिश गुरु नहीं के की। 100% सुनो ना हाँ विकास फिर सर, हाँ आप वो शायद, तो सर आपसे उम्र में शायद थोड़ा सा बड़ा हूं, तो प्लीज हाँ काफी है। मेरे को ठीक बात करने दो, है आप ज्यादा फुदक रहे हो अभी, तो एक बार मेरे को तसल्ली से बात करने दो। यहाँ पे हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे शांति रख के बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर बैठा हूँ यहाँ पे, तो एक नहीं बार नहीं मैंने आराम तो से कुछ बात कहा सुन ही लो नहीं मेरी। ना, सुन रहा हूँ मैं। टेक्निकल गुरुजी इज 100% फ्रॉड एंड फेक प्रूव्ड, इसका मतलब नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये बिल्कुल हो सकता है, आप देखिए फिलहाल ये नेगेटिव ही है। हो सकता है नहीं सर, हाँ अरे सर मैंने नेगेटिव वीडियो, है कि अगर आपने पॉजिटिव है, वीडियो एक देखी है ना सवाल पूरी, पूछ रहा हूँ, ठीक है अब मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे फिर बीच सर में। एक सवाल पूछ रहा हूँ, अरे सर नेगेटिव के पॉजिटिव, हाँ के ना, नेगेटिव के पॉजिटिव, हाँ नेगेटिव है, सही कहे तो नेगेटिव ही है, नेगेटिव है ना, हाँ बिल्कुल है, पर नेगेटिव है ना। हाँ तो देखिए ये चीज आपको, सुनो ना विकास, ये चीज लेकिन मैंने आपको किस बात लेवल ये पे गलत कही है क्या अगेंस्ट, वीडियो में? विकास हर कोई बात कही के नहीं कही मेरे को उससे मतलब नहीं सही है, मैं आपको ये बोल रहा है हूँ कि ये चीज YouTube के लेवल पे तो भूल जाओ, कॉपीराइट क्या होता है और प्राइवेसी क्या होती है और रिपोर्ट अब्यूज क्या होता है उसको भूल जाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एथिकली लीगली, आपको ये वीडियो किस बड़े लेवल पे सू कर सकती है आपको मालूम है बात?
हाँ मैं समझता हूँ जो आप बोल रहे हैं, आपने मेरी सोशल इमेज को इम्पैक्ट किया है, आज मेरी मार्केट में क्या नेटवर्थ है और आप उसको अगर डिग्रेड कर रहे हो तो मैं आपके अगेंस्ट सू कर सकता हूँ आपको कोर्ट में इस चीज को लेके कि आपने मेरी इमेज को मार्केट में डाउन किया। इसमें यूट्यूब बीच में नहीं आता है, यूट्यूब मुझे पता है क्या बोलता है इसके बारे में कि वो इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहता, मैं ये बात समझता हूँ। लेकिन सर सुनो, हाँ मैं आपको सिर्फ एक लाइन में एक बात बोल रहा हूँ, अगर समझ में आती है तो ठीक रखना, नहीं आती है तो हम दोबारा शायद कभी बात करेंगे नहीं इस मामले में। मेन बात सिर्फ इतनी है कि मैं चाहता हूँ जितनी भी वीडियोस में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आपने 10 सेकंड के लिए यूज किया है क्या, चाहे 1 मिनट के लिए यूज किया है, अगर कहीं पे भी मेरा नाम है, अगर कहीं पे भी मेरी थंबनेल में फोटो है, या अगर कहीं पे वीडियो के अंदर मेरी 1 सेकंड के लिए भी कोई फोटो है, टेक देम ऑल डाउन नाउ राइट अवे। अदरवाइज सर लिसन टू मी, अदरवाइज ठीक है आप दूसरा सर, अदरवाइज आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा अपने चैनल को आगे लेके जाने के लिए, बिकॉज आपने गलती करी है। मैं ये काम जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आपने गलती करी है। अगर आप उस गलती को ठीक करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी, अगर आप गलती को ठीक नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, क्या आप पुरानी वीडियोज की भी बात कर रहे हैं जो मैंने और वीडियोज बनाई है, आपकी पुरानी हिस्ट्री वगैरह? सर मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, आपके चैनल पे मुझको लेके जितने भी वीडियोज हैं आप ऑल डाउन फॉरएवर डिलीट। सर चाहता नहीं हूँ, चाहता इसलिए कि उसमें बिना परमिशन के मेरी शक्ल है, बिना परमिशन के मेरा नाम है, बिना परमिशन के थंबनेल के अंदर मैं हूँ, जो कि टेक्निकली लॉजिकली एथिकली गलत है। वैसे ये इतना गलत नहीं होता आखिर, लेकिन मैं उसको साबित नहीं कर सकता क्योंकि देखिए अभी ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ ठीक है, आप मुझे बोलने नहीं देते तब से आप ही बोल रहे हो। नहीं सर सुनो ना एक सेकंड के लिए, गलत होता है कि नहीं होता है, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता, क्या नहीं लगता, मैं लीगली बता रहा हूँ वैसे आपको, लेकिन मैं कर नहीं सकता साबित, लेकिन वैसे आपको बता तो सकता हूँ। साबित करने का मतलब नहीं है यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको मेरे को एग्जांपल दे दो, आप किसी का किस्सा बता दो, आपको क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, वो बात नहीं है। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी है कि आपने अपने चैनल के ऊपर मेरी फोटोज वीडियो क्लिपिंग्स, आप चाहते हैं वो वीडियो मैं डिलीट कर दूँ, आप यही चाहते हैं? कहीं ना कहीं सर क्योंकि उसमें नहीं, क्योंकि उसमें प्योर क्रिटिसिज्म है जिसमें मैंने कुछ भी आपके खिलाफ डिफेम करने की कोशिश नहीं की। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये वीडियो आपको डिफेम करने के लिए, लेकिन जो पॉइंट मैंने प्रूव किया उनका असली मतलब भी तो बनता है सर। सुनो ना मैं एक वीडियो बनाता हूँ और मैं उस वीडियो के अंदर, सुनो ना मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो के क्रिटिसिज्म के अगर मैं लायक हूँ, अगर मैं आप किसी का होता और मैं क्रिटिसिज्म के लायक होता, मैं उन गालियों के लायक होता है कुछ भी, मतलब आप थोड़ी सी भी बुराई कह सकते हैं आप थोड़ी सी भी, तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ उसको भी। मैं सुन रहा हूँ, तुम अपने चैनल पे किसी का भी नाम यूज करके कुछ भी थंबनेल लगा के आधा तिरछा, जो ये थोड़े बहुत 1000-50,000 व्यूज नहीं, व्यूज की तो कोई बात ही नहीं है सर, व्यूज गेन करने के तो मेरे पास दूसरे तरीके होते हैं। देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं पहले दूसरी वीडियो पोस्ट करता था। हाँ मैं बता रहा हूँ ठीक है, तो सर करो आपका जो मन करे आप करो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके चैनल के ऊपर मेरा 1% भी इंडिकेशन हो, चाहे वो थंबनेल में हो, चाहे वो टाइटल में हो, चाहे वो टैग्स में हो, चाहे वो वीडियो के अंदर हो, कहीं पे भी हो, ये तो जा रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। अब बस सर मेरे को मतलब डराने की कोशिश कर रहे हैं, सतीश सर डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं वैसे मैटर नहीं रहा, लेकिन मेरे को बस अपने चैनल की चिंता है। विकास सर मेरी बात सुनो, हाँ सुन रहा हूँ, आपने कहीं पे अगर आपने आज चोरी करी, नहीं मैंने चोरी नहीं की, ये कोई चोरी नहीं है, बिल्कुल 100% सही बात है, वो तो आप बस लीगली मुझे फंसा सकते हैं, मुझे इस बात का अच्छे से पता है। मेरे मालिक बात तो सुन लो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आज आपने कहीं पे चोरी करी और पुलिस आपको आके बोलती है कि विकास माल वापस दे दे वरना अरेस्ट कर लेंगे, तो क्या तुम पुलिस को ये बोलोगे कि आप मेरे को डरा रहे हो? ये पुलिस आपको बता रही है कि क्या सही है, एग्जाम्पल दिया है उसका, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए आप चीजों को गलत तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, देखिए चले ठीक तरीके से बात करते हैं। सवाल पूछ रहा हूँ, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, जो भी वीडियोज है आपके चैनल के ऊपर वो कितनी देर में डिलीट हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, वो मेरे को बता दो ताकि मैं देख लूँ कि मेरे को नेक्स्ट स्टेप कहाँ और कैसे लेना है। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी ये जो कॉल है ये तो मैं कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो कॉल तो रिकॉर्ड, हाँ आपका क्या सही है और क्या सही नहीं है। हाँ ठीक है, मैंने सुन लिया, अभी मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिए, मैं शुरू से देख रहा हूँ, आप बस बोलो। ठीक है मैं ज्यादा मैं डिटेल में जाता, ठीक है, तो आप मुझे एक हफ्ता दीजिए, मैं अपने मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे यूट्यूब पे, मैं उनसे बात करता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ता नहीं भाई, ठीक है 10 मिनट का टाइम आपके पास, 4 दिन 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं गरीब वगैरह और बाकी कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ में जिनपे मैं भरोसा करता हूँ, वो आप यूट्यूब में सुनो ना, हम मैं सुनो ना, आप यूट्यूब किसी दोस्त से बात करो, आप यूट्यूब इंडिया से बात करो, आपको जिससे मर्जी बात करनी है बात करो, यू हैव जस्ट 10 मिनट 10 मिनट में मैं कर सकता हूँ सर, वीडियो डिलीट कर सकता हूँ 10 मिनट में, लेकिन मैं करना नहीं, अगर नहीं करनी है तो बता दो, तो आप मुझे एक दिन तो दीजिए कम से कम एक दिन, क्योंकि मुझे ये बात आप भी जानते हो, मैं कुछ सही करना चाहता हूँ, सही कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, क्या चीज मुझे लगता है मैं इसे एक दिन में कुछ सही कर सकता हूँ, क्या क्या सही कर सकते हो बताओ, क्या मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है, कुछ अच्छा भी, कुछ भी मैं कुछ भी मैं ऐसा नहीं करूंगा जिससे आपकी बुराई हो या फिर ऐसा कुछ, या फिर आपको लगता हो कि मैं कुछ आपके बारे में कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लीगल अगर लॉ, हाँ मैं समझ गया आपको, आप बुरा नहीं कोशिश कर रहे हो तो मैं समझ गया आपकी बात है, लेकिन कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो ये कौन सी बात हुई, आपने फोन किया और आपने साफ साफ कहा 10 मिनट के अंदर वीडियो डिलीट कर वरना मैं एक्शन लूंगा, ये बात गलत है ना, आप एक दिन में दो दिन में, जब वो वीडियो एक महीने से ऊपर है ऑनलाइन है, मैंने उस पर मेहनत किया, एक दिन आप ऑरेंज दीजिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ मैं कुछ करूंगा, मेहनत और मेहनत करिए, देखिए जहाँ तक काफी सारे एक्सपोर्ट चैनल हैं अभी यूट्यूब पे, बड़े बड़े यूट्यूबर देखे मैंने जिनके 10-10, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उनके खिलाफ भी क्रिटिसिज्म वीडियो बनती है, लेकिन वो खुद क्रिटिसिज्म को लेते हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे चैनल हैं, लेंस टूवर्ड नाम का चैनल है, उसने फेक वीडियोस बनाई थी, वो एक्सपोज हुआ था, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी की थी अपनी गलतियां, लेकिन ये सब गलत है सर, मैंने कोई गलती की तो मैं कहां से एक्सेप्ट कर लूं, मैंने तो बोला ही नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने वीडियो में जो दिखाई वो तो 100% क्या क्लास, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कॉलेज स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अभी कॉलेज शुरू किया है, कॉलेज शुरू किया है, कहाँ रहते हो वो मैं बता नहीं चाहूंगा, अरे सिटी तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं कौन सा गली नंबर और एड्रेस पूछ रहा हूँ, वो तो आईपी एड्रेस हरियाणा से हूँ मैं, हरियाणा में कहाँ से हो, गुड़गांव से, खैर वो तो ठीक है, मैं बता नहीं कोई बात नहीं, बात ठीक है वो तो, हाँ कोई बात नहीं विकास भाई, मेरी बात मेन ऐसी है, आप शायद इन चीजों को मजाक समझते हो, नहीं मैं मजाक नहीं समझता, मेरे को नहीं से कुछ अच्छा ठीक है, ये बात तो सुनो, मैंने वीडियो देखी उसकी, ठीक है हाँ सर, दुनिया में कोई इंसान क्या करता है वो क्या नहीं करता है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, सुन रहे हो, अच्छा मेरे को मतलब है अभी सिर्फ आपके चैनल पे आने वाली उन वीडियो से जहाँ पे आपने मुझे इंटीग्रेट किया है किसी भी तरीके से, और ये काम मैं पहले भी कर सकता था लेकिन पहले मैंने वो वीडियोस देखी नहीं थी, मुझे बाई चांस 3-4 दिन पहले किसी इंसान ने ईमेल भेजा, काफी सारे उसमें लिंक्स थे, मैंने लकीली वो ईमेल पढ़ लिया और उस ईमेल के अंदर आपकी वीडियोस के लिंक्स थे, तब जाके मैंने वीडियोस देखी और तब मैंने आपको ईमेल किया पहली बार, उससे पहले मेरे को मालूम भी नहीं था कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, हाँ वो होना नहीं चाहिए, मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को भी सेम, मैंने आज तक देखा ही नहीं था, अभी की बात यह है कि मेरे को नहीं मालूम कि आपके YouTube पे जो बाकी दोस्त हैं उनका मेंटल लेवल क्या है, मेंटल लेवल कोई बात नहीं है सर, मैं बस एक दिन ही तो मांग रहा हूँ, कोई बड़ी बात है वैसे भी सर, ये वीडियो इतनी तक को बनाई थी तो एक दिन और क्या प्रॉब्लम है सर, मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हाँ? मेरे को नहीं मालूम कि आपको क्या सलाह देंगे या आपके दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है, आजकल क्या है ना YouTube मालूम है क्या हो गया है, तो एकदम YouTube ना एकदम हलवा हो गया है आज की डेट में, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट को समझ नहीं है इस चीज की लॉ सूट का मतलब क्या होता है, मुझे समझ है, आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, मैं काफी कुछ देखता हूँ, आपको YouTube के बारे में आज अभी नहीं पता, मैं देख सकता हूँ, जैसा कि मैंने आपने बात की क्रिटिसिज्म के बारे में, आप थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, मतलब एक बात क्रिटिसिज्म की है ही नहीं, ठीक है ये बताइए की है ही नहीं, ये बताइए मालूम है विकास, हर कोई जो आपके बारे में वीडियो बनाता है आप उसको इसी तरह फोन करते हैं, डराते हैं, यही करते हैं, आज अगर आप मेरे बारे में एक वीडियो बनाओगे ना, और अगर वो वीडियो आप अच्छा बनाते हो, अगर आप मेरे बारे में कोई बात बोलते हो सर, मतलब हाँ। मेरे कहने का मतलब ये कि आज अगर आप क्रिटिसाइज नहीं करते, आज अगर आप मेरी वीडियो में तारीफ करते हो फॉर एग्जांपल, तो आप वीडियो तो भी ये गलत है सर, तो भी ये गलत है, आप वो बात नहीं समझ रहे हो, तो भी गलत है, वो मेरी मर्जी है कि वो वीडियो समझ जाना आपकी मर्जी है, वही बात होगी, मैंने एक वीडियो देखी थी वहाँ पे नीचे बड़े बड़े यूट्यूबर से, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने भी कमेंट कर रखे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पे गया, लेकिन मैं ये बात नहीं कर रहा, ये लीगली आपके अंडर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे पता है ये वीडियो पे आप कॉपीराइट क्लेम भी कर सकते हैं, प्राइवेसी कंप्लेन भी कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेसी कहीं ना कहीं आप छोड़ दो, वही बात हो गई ना, मैंने वीडियो में बात की, ठीक है मैं आपसे मेन बात कर रहा हूँ, लॉ सूट की, आज एक
पब्लिक फिगर को अगर आप डी फेम करते हो तो ये कोई डी फेम नहीं है सर। डी फेम जब होता है सर, सर वो डिसाइड आप नहीं करोगे ना कि डिफेक्ट किया कि नहीं किया, वो डिसाइड करेगा कोर्ट। मैं कहूँगा वो मतलब आपके फेवर में है, वो तो मैं समझता हूँ। ठीक है सुनो ना, ठीक है मैं ये अपील करूंगा कि मेरे को इसने डिफेम किया। समझ गया, मैं समझ गया, बस मेरे को एक्सप्लेन मत करो। ठीक है, मैं वीडियो को कर रहा हूँ, प्राइवेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी डिलीट चाहिए मेरे को सारी वीडियो 10 मिनट के अंदर। ठीक है, करूंगा मेरे को कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। ठीक है, मेरे को भी कोई मतलब नहीं। ठीक है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर का सर आपको टाइम है, जितनी वीडियोस हैं डिलीट चाहिए। इतना वो मत करो, ठीक है, अभी एक घंटे में मैं कर दूंगा सारा काम। ठीक है, दस एक मिनट करो, क्या चक्कर है सर? एक क्या आप अगर थोड़ा इज्जत से बात करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। मैं तब से इज्जत से बात कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई, आपने फोन किया, आप वीडियो डिलीट करवाना चाहते थे, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ये धमकी वाली बात है कि 10 मिनट के अंदर डिलीट करिए, मतलब धमकी नहीं है, धमकी थोड़ी देर मेरे भाई, धमकी नहीं है, ये आपको सलाह दे रहा हूँ कि जो आपने किया वो गलत किया, इसको ठीक करने का ये तरीका है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। काम क्या है, धमकी कहाँ से हो गई भाई, धमकी देने वाला मैं कौन होता हूँ? ठीक है, मैं समझ गया। अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली भी तो स्ट्राइक लगा सकता था ना, लेकिन मेरे को मालूम है कि आपके चैनल वो तो बेकार बात होती, बिल्कुल वो तो बिल्कुल घटिया बात होती अगर डायरेक्ट स्ट्राइक लग जाती तो। ये तो बिल्कुल, आपने यहाँ पे देखिए कि यूट्यूबर ऐसी मल्लिका, वो हर जगह बदनाम है इसी काम के लिए, क्योंकि वो सीधा स्ट्राइक लगाती है सर, जो भी उसकी क्लिप यूज करता है सर, वो तो वही काम हो जाता है ना। कौन स्ट्राइक लगाती है, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो टेक्निकली तो मैं गलत नहीं होता, अगर मैं स्ट्राइक लगाता तो भी नियम के हिसाब से, पता है वो तो नियम के हिसाब से कुछ गलत नहीं होता, लेकिन ओवरऑल समझ जाते हैं लोग, लेकिन ये गलत है। वही मेरे को लगा कि आपके चैनल पे आपने 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए हैं, आपको इसकी वैल्यू है, आप आगे इसमें कुछ और अच्छा काम करोगे, लेकिन उस अच्छे काम के साथ साथ जो अगर गलती करी उस गलती को सुधार लो, सिंपल सी बात है। सिंपल तो दुश्मनी वाली बात नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ये बात है कि जो आपने किया वो सही नहीं था, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के बाद में आगे अपने चैनल के ऊपर आप ग्रो करो यार, मैं तो खुद बोलता हूँ ऑल द बेस्ट, इसमें कुछ ना परेशानी है मुझे। खैर, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, सिंपल तो कुछ नहीं है, पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कर रहा हूँ सारी वीडियो डिलीट कर। ठीक है, मैं कर रहा हूं। मुझे ये वीडियो कहीं पे भी दोबारा नहीं चाहिए। अगर ये वीडियो कहीं पे दोबारा जाती है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ, अगर ये वीडियो फॉर एग्जांपल को किसी और चैनल के ऊपर पोस्ट होती है सेम वीडियो, तो इसमें गलती आप होगी, क्योंकि वीडियो में आप हो, आपकी शक्ल है, तो ये आपका ध्यान रखना है आपको कि ये वीडियो कहीं और कहां जा रही है। अच्छा, एक और चीज, जैसा कि आपने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं आपकी एक वीडियो देखी जहाँ पे आपने किसी और की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पोस्ट कर दी थी, तो क्या मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को अपने किसी और कंक्लूजन के लिए यूज कर सकता हूँ, कहीं भी ऑनलाइन दिखाने नहीं, के लिए? नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? तो फिर आपने मतलब ऐसा काम कर दिया ना कि मैं लोगों को बता नहीं सकता इस के बारे में। नहीं नहीं सर, सर कोई आपसे नहीं पूछने वाला, कोई आपसे नहीं पूछने वाला, लेकिन मैं तो बताना चाहता हूँ ना, मैं तो बताना चाहता हूँ, फिर वही आप वही काम कर रहे हैं, आप अंदर ही बात को दबा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? मैं ऐसा होने करना नहीं चाहता। ठीक है, एक काम करता हूँ, ठीक है हाँ। मैं अभी सारी वीडियो करता हूँ डिलीट। हाँ, बस ठीक है, हाँ, लेकिन ये आप रिकॉर्डिंग मैं यूज करना चाहूंगा, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं यूज करना चाहूंगा। अच्छा, आपने पूछा करना चाहूंगा और मैंने मना कर दिया कि आप नहीं कर सकते, सिंपल बात खत्म। ठीक है, मैं इसे अगर आप ये चाहते हो कि ऑडियो जाए तो एक काम करूं, फिर मैं पोस्ट करूं अपनी तरफ से। हाँ कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं 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 नहीं, वो फिर ऑडियंस समझेगी कि मैं कुछ वगैरह मतलब गलत होगा, वो गलत होगा, नहीं वो गलत होगा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैं शुरुआत से एंड तक पूरा ऑडियो लूंगा ना सर, पूरा ऐसा कुछ गलत नहीं चाहता, कि मैं उस तरह का लड़का नहीं हूँ जो ये पब्लिसिटी स्टंट वगैरह, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं अपनी वीडियोस में कि कोई भी आप पर वीडियो बना दे तो आप हमेशा उसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं, जैसा कि एक चैनल था जिसने आपसे 4-5 सवाल किए थे, याद होगा आपको वो चैनल है ना, अच्छे से आपको सर याद है, और मुझे ये भी याद है कि उस दो कौड़ी के घटिया चैनल के ऊपर मेरी वीडियो के अलावा किसी वीडियो पे व्यूज नहीं है, और जो मेरी वीडियो के ऊपर मैंने उसको उसके 5 सवालों का जवाब दे दिए, आप सोचते हैं कि और वीडियोस पे व्यूज नहीं आए और उस वीडियो पे आगे, तो मतलब उसका सारा श्रेय आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मेरे को भी काफी लोग बोलते हैं कि आपकी और वीडियोस पे व्यूज नहीं है, लेकिन इस पे है, व्यूज की कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मेरी एक वीडियो पे जैसे कि 1 मिलियन व्यूज भी है, 2 मिलियन व्यूज भी है, और मैं चाहूँ तो कोई चालू कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई बात नहीं होती, जैसे कि आप कह रहे हैं दो कोड़ी आपको बहुत ही बड़ा
बहुत ही बड़ा सल्यूट है मेरी तरफ से, आप यूट्यूब में काफी अच्छा काम कर रहे हो, काफी अच्छा काम करोगे आगे चल के। अपने चैनल के ऊपर कोशिश करो कुछ ऐसी वीडियोस बनाओ जहां पे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से किसी भी क्रिएटर के साथ में। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, अभी आपने वीडियो के अंदर फॉर एग्जाम्पल भुवन को दिखाया है, नहीं उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, वो तो उसको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती सर। हाँ सर, आप मिले हो, आप जानते हो वो क्या है क्या नहीं है? नहीं नहीं, लेकिन कुछ आदमी होते हैं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। हाँ मैं जानता हूँ आप सर, लेकिन आदमी ठीक है। नहीं नहीं सर, एक काम करते हैं ना, उसको कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, आप यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं। विकास, विकास, मैं आपको एक बड़े भाई की तरह सीनियर की तरह कुछ भी समझ लो, आपको सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके चैनल की सेहत के लिए अगर आप आगे भी ऐसा काम करते रहोगे तो वो सही नहीं होगा। कल को कोई दूसरा इंसान आपको फोन करेगा, कल को कोई दूसरे इंसान के साथ दिक्कत होगी। इससे बढ़िया अपने चैनल पे आगे चल के जो कंटेंट पोस्ट करो वो ऐसा करो जहाँ पे कोई सवाल ना उठा सके किसी भी चीज को लेके। आप क्लीन रहो, आप अच्छे से अपना वीडियो बनाओ, लोग देखेंगे पसंद करेंगे, सिंपल सी बात है यार। ठीक है, ये तो मैं गलत बोल रहा हूँ? आज अगर आप किसी YouTube के वर्कशॉप के अंदर जाते हो, किसी इवेंट में, तो वहां पे भी आपको लोग यही बोलते हैं ना कि आप अच्छा काम करो। ये तो लोग बोलता है कि गलत करोगे और कुछ नहीं फर्क पड़ता, YouTube ऐसी हलवा है, वो नहीं है ना मेरे। ठीक है, मैं समझ रहा हूं। आपको सजेस्ट करता हूं, मैं तो आपके लिए अच्छे की बात बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ चाहता हूँ कि आपका चैनल डिलीट हो जाए? नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप बस अपना कुछ चाहते हैं कि वो वीडियो डिलीट हो जाए। खैर मैं समझ गया आपकी बात, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। आपकी बात भी मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, पर अभी भी मैं आपको मालूम इस बात आखिरकार सुनो ना, लेकिन मैं खुश हूँ कम से कम, मैं खुश हूँ। बेसिक वीडियो में डिलीट कर दूं लेकिन मैं खुश हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जो वीडियो में दिखाया और जो बातें कही, कहीं ना कहीं वो उनमें से एक बात तो साबित हो गई जो मैं हमेशा से शुरू से नहीं साबित क्यों हुआ, साबित कुछ भी हुआ मेरे लिए साबित हो गया ना सर। तो पर जब आप साबित सिर्फ ये हुआ कि जब आप वीडियो के ऊपर टाइटल लगाते हो ना कि टेक्नोलॉजी 100% फ्रॉड एंड फेक प्रूव्ड, हाँ प्रूव्ड, वो फैक्ट के साथ दिखी है। देखिए कुछ पॉइंट जो आप दूसरोगे दूसरों को इनडायरेक्टली बोल देते हैं, लेकिन वही बात मैंने डायरेक्टली प्रूफ्स के साथ बाकी सारी चीजों के साथ बोल दी। पहली बात तो ये आप कोई होते नहीं हो प्रूफ वाले, दूसरी बात ये कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे क्रिएटर हैं बहुत सारे और डेली ऐसी वीडियोस अपलोड होती है बड़े बड़े क्रिएटर के। ठीक है, मैं किसी का भी नाम कुछ भी अगर एक सुनो ना विकास, एक लाइन में बात बोलता हूँ। अभी जब आपको कॉल किया, जब चार पांच बार मैंने कॉल किया, जब आपने पिक नहीं किया, इन बिटवीन मेरी यूट्यूब इंडिया टीम के साथ हुई है, अभी का अभी तीन लोगों से मैंने अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात की है। देयर फर्स्ट रिएक्शन वाज हमको लिंक बताओ कौन से हैं एंड वी विल सी व्हाट रिएक्शंस आर पॉसिबल अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ इलीगल थिंग। हां मैं समझ गया, वो सही नहीं। हां मैं कोई बात अच्छे से लेकिन मैं क्या क्या कर सकते हैं इस वीडियो के साथ, मैं समझता हूं। हां मैंने सिर्फ मतलब कि नहीं मुझे ऊपर करने दो, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं चाहता हूं कि उसका चैनल बचा रहे और वो आगे कुछ और अच्छा काम करे। ठीक है, मैं बस एक बात तो बोल रहा हूं, आप कल तक रुक जाइए एक दिन। नहीं आपने बोला ना अभी डिलीट कर दो, तो आप अभी वही बात मैं शुरू से कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, लेकिन आप कुछ टाइम मैं आपको चलो ठीक है मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है मैं डिलीट कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। मैं आपको कॉल कर रहा ना, आप कॉल कर रहे, आप अपनी लाइफ में खुश, अपनी लाइफ में खुश नहीं था, खत्म। मैं खत्म नहीं करना चाहता ना, लेकिन ये बात मैं खत्म नहीं करना चाहता, यानी कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, उस वीडियो का वजूद नहीं रहेगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग रहेगी मेरी उसके लिए, और मैं इसे ऑनलाइन भी शेयर करना चाहता हूँ। नहीं कर सकते, ठीक है वो मैं अपने तरीके से शेयर करूंगा। ठीक है वो मैं अपने तरीके से विकास, हाँ करोगे तो वापस कॉन्सिक्वेंस होगा। एक बार जो आग बुझ रही है उसको बुझा के उसके ऊपर पानी मारो, ये कोई आग थी नहीं, आग तो कोई थी नहीं है, जो भी था जो भी था उस किस्से को पूरा खत्म करो, पानी मारो उसके ऊपर। अगर मतलब दोबारा कोशिश करोगे सुलझाने की तो गलत बात है। हमें समझ गया, आप दबा देना चाहते हैं इस बात को कि आपने सर, मैं बंदे को फोन किया, उसको बोला कि वीडियो डिलीट कर अपनी इसी वक्त, और आपने डिलीट करवा भी दी और उससे कभी बाहर भी बात नहीं निकली। बिल्कुल वही, हाँ समझ गया, मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है समझ गया, मैं बस कर रहा हूँ डिलीट। ओके बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा कॉल नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता कि आप फिर से कॉल करें।